हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल एनवायरनमेंट में एक बहुत ही खतरनाक वायरस कोरोना वायरस फैल रहा है। इसकी पहुंच इतने तक है कि कोई भी देश इससे अछूता नहीं बचा। इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में और भी बहुत सारे वायरस हमेशा फैले ही रहते हैं। स्पेसिफिकली कोरोना वायरस की प्रेजेंस में हम सबके लिए हाइजीनिक मेजर्स को बढ़ा दिया है, और इसके लिए आजकल आपको एक स्पेशल चीज की जरूरत हर टाइम पड़ती है, वो है एक हैंड सैनिटाइजर। तो ये सब मेजर मैंने भी पढ़े और उसके बाद मैं मार्केट में पहुंचा हैंड सैनिटाइजर खरीदने के लिए। तो मुझे पता चला कि सैनिटाइजर बहुत ही महंगे हो चुके हैं और मार्केट में इनकी बहुत ही ज्यादा किल्लत। तो जैसे ही मैंने इन सब के बारे में स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि एक हैंड सैनिटाइजर आप मार्केट से 5 से 10 गुना सस्ते रेट पे अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो आज मैं आपको घर पर ही नॉर्मल चीजें जो आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएंगी उसका यूज करके हैंड सैनिटाइजर बनाना सिखाऊंगा। ये मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड मेथड है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई डर रखने की जरूरत नहीं। तो हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए आपको बेसिकली 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो हमारा मेजर कंपोनेंट है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो जनरली सिप्रिट के नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म IPA ऐसा बोला जाता है। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत इजीली एक चीप प्राइस पर मिल सकता है। इसके बाद हमें एक रिएजेंट चाहिए जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन H2O2। ये एक छोटी डिब्बी बहुत सारे बॉटल्स तैयार करने के लिए काफी, तो ये एक छोटी डिब्बी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको ग्लिसरीन की जरूरत है। WHO की गाइडलाइंस में इसे ग्लिसरॉल लिखा है, लेकिन इसी का ही कमर्शियल नेम ग्लिसरीन है। और आपका चौथा कंपोनेंट है पानी, तो आपको इसके लिए शुद्ध पानी चाहिए। इसके लिए आप किसी प्योरिफाइड वाटर की बोतल ले सकते हैं या घर में ही पानी बॉइल करके उसे ठंडा करके यूज कर सकते हैं। इन सब कंपोनेंट्स में एक खास बात आपको ये ध्यान देनी है कि IPA मार्केट में कई तरह के अवेलेबल हो सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को साफ करने के लिए भी IPA यूज होता है। तो आपको जो IPA खरीदना है वो IP ग्रेड का होना चाहिए, या आपको जितने भी केमिकल्स खरीदने हैं वो IP ग्रेड के होने चाहिए। ये वो केमिकल्स होते हैं जो मेडिकल लाइन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं या आप अपनी बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से किसी हैंड सैनिटाइजर में 75% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए। पर जब आप मार्केट में जाएंगे और बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर्स देखेंगे तो उसमें 10 से लेकर 70% तक के बीच में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है, पर आप उनका सिलेक्शन अपनी जरूरत की जगह के हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पर ही हैं और उस टाइम आपको हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, तब आपको 20-30 या 40% के आसपास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को काफी है यूज करने के। पर अगर आप किसी बैंक, किसी शॉप या इस जगह पर हैं जहां पर लोगों की बहुत आवाजाही लगी रहती है, उस जगह पर आपको 60-70 या उससे भी हाई कंसेंट्रेशन के आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी अपने आसपास के जर्म्स को किल करने के लिए। तो हमारे पास जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो IP ग्रेड का है, प्लस इसमें ऊपर लिखा है 70 VV, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो अगर इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो हमें इसमें और कोई भी पानी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ कुछ गिनी चुनी क्वांटिटीज में ये रिएजेंट डालेंगे और इसमें इतना पानी है या ऑटोमेटिकली इसकी कंसेंट्रेशन इतनी है जितनी की हमें चाहिए। तो अब मैं आपको सैनिटाइजर बनाने के लिए
ये कंपोनेंट्स कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आपको इनको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने इसकी पूरी टेबल दी हुई है। तो एक मोटी मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 100 ml 100 ml सैनिटाइजर बनाना है तो आप उसके लिए लगभग 100 ml आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेंगे। इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और 30% पानी ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। 100 ml सैनिटाइजर बनाने के लिए आपको 4 ml हाइड्रोजन परोक्साइड चाहिए। जब हाइड्रोजन परोक्साइड की कंसेंट्रेशन 3% हो, लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन परोक्साइड है इस पर इसकी कंसेंट्रेशन 6% लिखी हुई है, तो इसलिए मुझे इसमें 4 नहीं उसका आधा 2 ml ही 100 ml सैनिटाइजर बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद हमें इसमें ग्लिसरीन ऐड करना है। 100 ml सैनिटाइजर के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 ml ग्लिसरीन को ऐड करना है। ग्लिसरीन का यूज क्या है? जनरली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर हमारी स्किन को टच करता है तो वो उसे ड्राई कर देता है। दूसरी बात, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है, तो ग्लिसरीन की वजह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारी स्किन से ज्यादा देर तक टच में रहता है, जल्दी वेपोराइज नहीं होता। दूसरी चीज, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। 100 ml सैनिटाइजर बनाने के लिए हमें 2 ml हाइड्रोजन परोक्साइड डालना है, तो 400 ml के लिए हमें 8 ml हाइड्रोजन परोक्साइड डालना होगा। इसी तरीके से हमें ग्लिसरीन के लिए भी 100 ml के लिए 1.5 ml ग्लिसरीन डालना है। वैसे ही 400 ml के लिए हमें 6 ml ग्लिसरीन डालना होगा। अगर आपको फिर भी ये ड्राई लग रहा हो या ये आपकी स्किन को ड्राई कर रहा हो तो आप ग्लिसरीन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई भी हार्म नहीं है। अब बात आती है इनको मेजर करके इसमें इंसर्ट करने की। तो मार्केट में जो कफ सिरप वगैरह मिलते हैं उनके साथ एक ढक्कन जरूर मिलता है। उस ढक्कन पर आपका स्केल बना होता है कि कितने मिलीलीटर ये है। तो मैं एक ऐसे ही ढक्कन का इस्तेमाल कर रहा हूं इनको मेजर करके इसमें डालने। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन परोक्साइड की बोतल को खोलता हूं और इसके साथ मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बोतल को भी खोलता हूं। एक बार ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वोलेटाइल होता है, हवा में बहुत जल्दी से उड़ सकता है, तो इसे खोलकर नहीं रखना है। तो इसके बाद मुझे 8 ml हाइड्रोजन परोक्साइड इसमें इंसर्ट करना है, तो मैं इसमें मेजर करके इसे इसमें डालूंगा। तो पहले स्टेप में मैंने 8 ml हाइड्रोजन परोक्साइड को मेजर करके 400 ml आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डाल दी। इसके बाद अब मुझे 6 ml ग्लिसरीन को मेजर करके इसमें डालना है। तो अब मैं इसकी बोतल को खोलता हूं। तो अब मैं अप्रोक्सीमेटली 6 ml ग्लिसरीन को मेजर करता हूं। 6 ml मैंने इसे मेजर कर लिया है और अब मैं इसे सैनिटाइजर के अंदर डाल। ग्लिसरीन बहुत ही थिक होता है, तो अगर ये बोतल में कंप्लीटली ना जाए तो आप थोड़ा सा सैनिटाइजर इसमें वापस पलट कर इसे थोड़ा सा रिंस करके इसमें वापस डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम इसे बंद करेंगे और 2-4 मिनट अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये सब मिक्सचर इसके अंदर मिल जाए। आपको इसे मूव करते हुए इसमें ग्लिसरीन नजर आएगा, तो जब तक ये कंप्लीटली इसमें घुल ना जाए तब तक आपको इसे हिलाना है।
अब इसके अंदर ये ग्लिसरीन टोटली घुल गया है, टोटली इसमें यूनिफॉर्म हो गया है। आप चाहें अगर इसे डेंस करना चाहें तो इसमें ग्लिसरीन और मिला सकते हैं ताकि अच्छी मॉइस्चराइजिंग पावर इसमें बनी रहे। ये बोतल यूज करने में थोड़ा इनकन्वीनियंट है तो हम इसे एक दूसरी बोतल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक स्प्रे बोतल है तो जिसे हम कन्वीनियंटली अपने हाथों पे कभी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस बोतल को खोलता हूं और इसको इसमें ट्रांसफर कर देता हूं। आप जिस भी बोतल में अपने सैनिटाइजर को डालकर रखें, आपको इसे 2 दिन तक यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो भी प्लास्टिक मटेरियल से ये बोतल बनी है, या अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो जो भी पानी हम इसमें डालते हैं या जो भी और लिक्विड हम बाकी बर्तन इसके लिए यूज कर रहे हैं, उन सब में कोई ना कोई बैक्टीरिया या कंटेमिनेशन हो सकता है। तो उन सब कंटेमिनेशन को किल करने के लिए या इसको बिल्कुल अपने आप में एक अच्छे लेवल पे आने के लिए 2 दिन का लगभग वक्त लग जाता है। तो उसके बाद आप इसे अपने पूरे परिवार के लिए यूज कर सकते हैं। लगभग 100 से 150 रुपए की कीमत के अंदर ये सभी केमिकल्स खरीदे जा सकते हैं और आप महीने भर का सैनिटाइजर 100 से 150 रुपए में बहुत आसानी से बना सकते। इस सैनिटाइजर में खुशबू के लिए आप गुलाब जल या किसी और तरह के फ्रेग्रेंस एजेंट्स डाल सकते हैं। इस वीडियो के सपोर्टर हैं वेड लव। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इनकी कंपनी की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके घर परिवार और सभी जान पहचान के लोग सस्ता और अच्छा हैंड सैनिटाइजर घर पर ही तैयार कर सकें। धन्यवाद।